चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में हमें पहली यानी प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ने के लिए मिल जाता है और हमें वहीं से इसके बारे में जानकारियां हासिल होती हैं। वहीं विज्ञान की पुस्तक के अनुसार ये एक प्रकार की खगोलीय स्थिति मानी जाती है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हुए जब तीनों एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऐसा केवल पूर्णिमा को ही संभव हो पाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। वहीं सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है जो कि अमावस्या को ही संभव हो पाता है। वहीं ब्रह्मांड में घटने वाली ये घटना है तो खगोलीय, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा माना जाता है और इसे लेकर आम लोगों में कई तरह के सगुन और अपसगुन माने जाते हैं। आपने अक्सर बुजुर्गों से सुना भी होगा कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में हमें ये काम नहीं करने चाहिए, इससे हमें बुरा प्रभाव पड़ता है और हमें इससे नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, साथ ही इससे हमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, पहला आंशिक चंद्र ग्रहण वहीं दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसके अलावा आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा को आंशिक रूप से ढकती है, उस स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में दो बार चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसमें से पहला चंद्र ग्रहण 31 जनवरी को लग चुका है, जबकि अब वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 27 जुलाई को लगने वाला है और इसे सदी का पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष 27 जुलाई को पड़ने वाले इस दूसरे चंद्र ग्रहण को 21वीं सदी का अब तक का सबसे लंबा और पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जा सकता है या आपको देखने को भी मिल सकता है। वहीं 2018 का ये चंद्र ग्रहण भारत में भी पूर्ण रूप से सबको दिखाई देगा। वहीं आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटा 54 मिनट 33 सेकंड का होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत के अलावा ये ग्रहण और भी देशों में देखा जा सकता है, जैसे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका के मध्य और पूर्वी भाग में भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि रूस के कुछ क्षेत्र में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसका ग्रासमान 1.615 हो सकता है। वहीं 15 जून 2011 के बाद पहला केंद्रीय चंद्र ग्रहण होगा। वहीं आपको बता दूं कि पहला चंद्र ग्रहण जनवरी में पड़ा था, उसके बाद ये दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना मानी जाती है, वहीं ज्योतिष के अनुसार इसका सीधा असर हमारी राशियों पर पड़ता है और कभी कभी ये असर हमारे लिए शुभ फल देता है तो कभी कभी ये असर हमें अशुभ फल प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस बार 27 जुलाई को पड़ने वाले इस ग्रहण के बारे में ज्योतिषों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया के बीच से चंद्रमा के सीधे गुजरने के कारण इसका समय इतना लंबा होगा। वहीं इस दौरान सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण पृथ्वी की छाया का आकार बड़ा होगा। ज्योतिष के अनुसार खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तरा आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र और मकर राशि में पड़ेगा, जिसके कारण जिनका जन्म नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ और
श्रवण नक्षत्र में हुआ है या फिर उसके लग्न मकर है, उनके लिए ये बहुत ही अशुभ प्रभाव दे सकता है और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि इसका सीधा असर कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, कुछ राशियों के लिए ये बहुत ही शुभ साबित भी हो सकता है, लेकिन जिन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा वो राशियां हैं मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि। जी हाँ, इन चार राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इन राशि वालों को इस दिन बचकर रहना होगा। आइए जानते हैं इन राशियों को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बात करते हैं पहली राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव का आप पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपको उस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही इस राशि वाले को उस दिन भारी हानि यानी धन से संबंधित किसी भी कार्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं दूसरी राशि यानी तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को बता दें कि इस दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है, बेहतर होगा कि आप इस दिन संभल कर रहें। वहीं आपके लिए ये भी बेहतर है कि इस दिन वाहन भूल कर भी ना चलाएं और किसी भी काम को बिना सोचे समझे ना करें, ना ही जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी कागज पर दस्तखत करें, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप उस दिन कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें, इससे आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों को बता दें कि चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगा। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों को दस्तक दे सकता है और आपके हर कार्यों में असफलता ही हासिल हो सकती है। वहीं इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनकी नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं उस मिनट के लिए खुशियां भी दस्तक दे सकती हैं, लेकिन आपके करियर पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। वहीं बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगा। इस दिन आप संभल कर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप इस दिन गाड़ी तो भूल कर भी ना चलाएं। वहीं बिजनेस में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, इन चार राशियों को चंद्र ग्रहण से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दूँ कि इसके अलावा जो राशियाँ बची हैं उन पर इसका असर बहुत ही शुभ पड़ेगा, यानी मिला जुला असर पड़ सकता है। आपको धन लाभ भी हो सकता है और आपकी हर ख्वाहिशों की पूर्ति भी हो सकती है और आपके हर काम में आपको सफलता हासिल होगी। मेष, कर्क, सिंह और मीन, इसके अलावा जो भी राशियां बची है उनको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। वहीं आपको बता दें कि इस ग्रहण में आपको भी थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि आप पर भी इसका थोड़ा असर पड़ सकता है और आपको भी धन से संबंधित थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में चल रहे कामों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपके कामों में रुकावट पैदा होगी। तो बेहतर होगा आप भी चंद्र ग्रहण में संभल कर रहें। इसके अलावा आपको बिजनेस में भी थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अन्य राशियों के लिए चंद्र ग्रहण मिला जुला रहेगा। वहीं जब इससे पहले 31 जनवरी को पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ा था, इस दिन पूरे 12 घंटों तक भगवान के दर्शन शुभ नहीं माने गए थे, तब भी कुछ राशियों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूतक काल के समय मंदिरों के पट बंद रहते हैं और इसमें दर्शन करने की मनाही होती है, तो बेहतर है इन चार राशियों को चंद्र ग्रहण के दिन संभल कर रहे। साथ ही कोई भी कार्य बिना सोचे समझे ना करें। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।